with the name of Allah Almighty. The importance of being honest. Text. Act 2, second act. Nearly about 5 or 6 pages हमने पढ़े हैं. Merry man का dialogue. Yes, miss. He seemed very much disappointed. Cicely ने क्या पूछा था मेरी मैन से? अच्छा, अर्नेस्ट आ गया, उसका कार्ड पेश करता है मैरी मैन. यस मिस ही सीम्ड वेरी मच डिसअपॉइंटेड. यस मिस, वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है. जो अर्नेस्ट जैक का भाई बनकर एलजर्नन आ चुका है यहाँ मैनोर हाउस पर. आई मेंशन्ड दैट यू एंड मिस प्रिज्म वर इन द गार्डन. मैंने अर्नेस्ट को बताया है कि आप और मिस प्रिज्म गार्डन में बैठी हुई हैं. ही सेड ही वॉज एंशियस टू स्पीक टू यू प्राइवेटली फॉर अ मोमेंट. उसने कहा कि वो थोड़ा परेशान है और चाहता है, ईगर है. एंशियस का मतलब गुस्सा, जज्बाती होना, परेशान होना का मिलाप. वो इज़्तराबी कैफियत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इज़्तराबी कैफियत से, इज़्तराबी, वो इज़्तराब में आपसे बोलना, बात करना चाहता है प्राइवेटली, वो अकेले में. सिसली आस्क मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग टू कम हियर. आस्किंग वर्द, अर्नेस्ट वर्दिंग से कहो कि यहाँ आ जाए. आई सपोज यू हैड बैड टॉक टू द हाउसकीपर अबाउट अ रूम फॉर हिम. बेहतर है कि हाउसकीपर से कहो कि उसके लिए रूम तैयार किया जाए. यस मिस, मैरीमैन गोज ऑफ. सिसली आई हैव नेवर मेट एनी रियली विकेड पर्सन बिफोर. जिंदगी में पहले कभी मैं किसी विकेड पर्सन से नहीं मिली, किसी बदकार से नहीं मिली. आई फील रैदर फ्राइटेंड. मुझे ज़रा खौफ महसूस हो रहा है. आई एम सो अफ्रेड ही लुक जस्ट लाइक एवरी वन एल्स. मुझे शक पड़ रहा है, मैं खौफ ज़दा हूँ कि कहीं वो हर दूसरे शख्स की तरह ना हो, वो एक आम शख्स की तरह ना हो. यानी कि ये चाहती है वो बैड मैन है तो उसकी शक्ल सूरत उसकी कोई मुख्तलिफ होनी चाहिए ना. आम आदमी की तरह होगी तो उसे शौक लगेगा बेचारी को कि ये तो आम आदमी की तरह है. इंटर एलजर्नन. एलजर्नन आता है वेरी गे एंड डिबोनियर, बहुत ज़्यादा खुश और डिबोनियर, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट है. ही डज, लगता तो ऐसे ही है आम आदमी जैसा. एलजर्नन रेजिंग इज हैट, अपना हैट उठाते हुए अपने हैट उठाते हुए. यू आर माय लिटिल कज़न सिसली, आई एम श्योर. मेरे ख्याल में तुम मेरी वो छोटी कज़न सिसली हो, मुझे यकीन है. सिसली यू आर अंडर सम स्ट्रेंज मिस्टेक, तुमने कोई गलती की है. आई एम नॉट लिटल, मैं छोटी तो नहीं हूँ. इनफैक्ट आई बिलीव आई एम मोर देन यूजुअली टॉल फॉर माई एज. मेरे ख्याल में मैं अपनी उम्र से ज़्यादा लंबी हूँ. एलजर्नन इज रैदर टेकन अबैक. अलजर्नन थोड़ा सा डर के पीछे ठहरता है. बट आई एम योर कज़न सिसली, लेकिन मैं तुम्हारी कज़न सिसली हूँ. यू आई सी फ्रॉम योर कार्ड, तुम, हाँ मैंने देखा है तुम्हारे कार्ड से. और अंकल जैक्स ब्रदर, तुम अंकल जैक के भाई हो. माय कज़न अर्नेस्ट, मेरे कज़न हो अर्नेस्ट. माय विकेड कज़न अर्नेस्ट, मेरे एक बुरे कज़न अर्नेस्ट. अलजर्नन ओह, आई एम नॉट रियली विकेट एट ऑल कज़न सिसली, मैं ज़्यादा विकेट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ओवरऑल विकेट नहीं हूँ. यू मस्ट नॉट थिंक दैट आई एम विकेट, तुम ये मत सोचो कि मैं बुरा हूँ. इफ यू आर नॉट, अगर तुम बुरे नहीं, देन यू हैव सर्टेनली बीन डिसीविंग अस ऑल इन अ वेरी इनएक्सक्यूजेबल मैनर, तो फिर तुम बहाना बनाकर हमें किसी तरह से धोखा दे रहे हो. अगर तुम बुरे आदमी नहीं हो तो फिर तुम कोई झूठे मूठे आदमी हो, तुम हमें धोखा दे रहे हो. क्योंकि अर्नेस्ट जिस शख्स का नाम है वो तो बहुत बुरा है. आई होप यू हैव नॉट बीन लीडिंग अ डबल लाइफ,
मुझे उम्मीद है कि तुम दोहरी जिंदगी नहीं जी रहे, प्रिटेंडिंग टू बी विकेड, ये दिखाते हुए कि तुम बहुत बुरे हो, एंड बीइंग रियली गुड ऑल द टाइम, और हर वक्त तुम अच्छे बने रहते हो। बस तुम दिखाते ये हो कि तुम बुरे हो, लेकिन दर हकीकत तुम अच्छे हो। ऐसा नहीं हो सकता, दैट वुड बी हिपोक्रेसी, ये तो भाई मुनाफकत हुई। अल्जर्नर लुक्स एट हर इन अमेजमेंट, दिलचस्पी से उसे देखता है। ओ ऑफ कोर्स आई हैव बीन रादर रेकलेस, हाँ यकीनन मैं थोड़ा सा हूँ रेकलेस, बदतमीज, बोल्ड, रैश, गुस्ताख। आई एम ग्लैड टू हेयर इट, ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि तुम रैश हो। अल्जर्नन इनफैक्ट नाउ यू मेंशन द सब्जेक्ट, दरहकीकत अब तुमने मौजू पर बात की है। आई हैव बीन वेरी बैड इन माई ओन स्मॉल वाय, मैं बहुत बुरा हूँ अपने ही एक ख़ास तरीके से, मैं एक छोटे से अंदाज में बहुत बुरा हूँ। सिसलिया आई डोंट थिंक यू शुड बी सो प्राउड ऑफ दैट, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस चीज़ का फ़ख्र करना चाहिए। अगर तुम छोटे से अंदाज में कहीं बुरे हो तो फ़ख्र मत करो। जो आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी प्लीजेंट, गो कि मुझे यकीन है कि ये चीज़ बहुत मज़े की होगी, खुशी वाली होगी। इट इज़ मच प्लीजेंटर बीइंग हेयर विद यू, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे साथ यहाँ अपने आप को पाकर। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ यू आर हियर एट ऑल, मैं समझ नहीं पाई आखिरकार तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। अंकल जैक वुडेंट बी बैक टिल मंडे आफ्टरनून, अंकल जैक तो अगले आने वाले मंडे के आफ्टरनून तक यहाँ पर नहीं आने वाले। दैट इज़ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सदमा हुआ। आई एम ओब्लाइज टू गो अप बाय द फर्स्ट ट्रेन ऑन मंडे मॉर्निंग, फिर मैं मंडे की मॉर्निंग में सुबह सवेरे जाने के लिए तैयारी करूँगा, अपना फ़र्ज समझूँगा कि चला जाऊँ। आई हैव अ बिजनेस अपॉइंटमेंट दैट, मेरी एक बिजनेस अपॉइंटमेंट है That I am anxious to miss, जिसको मैं अटेंड नहीं करना चाहता। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं मिस करना चाहता हूँ। उल्टी बात, couldn't you miss it anywhere but in London? क्या तुमने इसे किसी और जगह पर मिस करना है या लंदन में मिस करना है? तुमने लंदन में ये तुम्हें छोड़नी पड़ेगी या किसी और? नो द अपॉइंटमेंट इज इन लंदन, नहीं कहीं और नहीं, लंदन में ही अपॉइंटमेंट मेरी मिस होनी है। सिसरी वेल आई नो ऑफ कोर्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज नॉट टू कीप अ बिजनेस एंगेजमेंट इफ वन वॉन्ट्स टू रिटेन एनी सेंस ऑफ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मैं जानती हूँ यकीनन कितना अहम होती है एक बिजनेस को कंटिन्यू ना करना, जबकि आप चाह रहे हों कि सेंस कैम रहे जिंदगी की खूबसूरती का। यानी कि अगर आप जिंदगी की खूबसूरती चाहते हैं तो कामकाज को तवज्जो ना दें। कामकाज को तवज्जो देंगे तो आपका जहन तो गलने सड़ने और पकने लग जाएगा। जिंदगी को एंजॉय करना है तो काम को थोड़ी तवज्जो दें। Well, I know, of course, how important it is not to keep a business engagement. कितना अहम है कारोबारी मामलात में अंगेज ना होना। If one wants to retain any sense of the beauty of life, अगर एक आदमी जिंदगी की खूबसूरती का सेंस रखता हो तो। But still, I think you had better wait till Uncle Jack arrives. लेकिन बेहतर है कि अंकल जैक के आने तक तुम इंतजार करो। I know he wants to speak to you about your immigrating. मेरे ख्याल में वो तुमसे बात करना चाहेगा तुम्हारी immigrating के बारे में, यानी कि तुम्हारी हिजरत के बारे में, तुम्हारे यहाँ से किसी और कंट्री में जाने के बारे में। अंकल जैक ने इनको कह रखा है फैमिली वालों को कि मैं अपने भाई अर्नेस्ट को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया भेज दूँगा, तो वो इसीलिए बात कर रही है। अच्छा, अबाउट माई वॉट, मेरी किस चीज़ के बारे में? You are immigrating, तुम्हारे जाने के बारे में। He has gone up to buy your outfit.
वो तो गया हुआ है लंदन तुम्हारे कपड़े खरीदने के लिए। आई सर्टेनली वुड नॉट लेट जैक बैक माय आउटफिट। मैं ये इजाजत नहीं दूंगा जैक को कि वो मेरे कपड़े खरीदे। ही हैज नो टेस्ट इन नेकटाइज एट ऑल। उसको नेकटाइज के बारे में कोई भी ज्यादा मालूमात नहीं है। नेकटाई गले पर रुमाल बंधा हुआ कभी कभी अंग्रेजों के गले में देखते हैं अब, तो उसे नेकटाई में कोई महारत हासिल नहीं, उसको कोई उसको कोई टेस्ट नहीं इसमें, तो मैं अपनी कपड़ों की खरीदारी खुद करूंगा। सेसली, आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर नेकटाइज। मेरे ख्याल में तुम्हें नेकटाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकल जैक इज सेंडिंग यू टू ऑस्ट्रेलिया। अंकल जैक तुम्हें कोई वेटर नहीं बनाने जा रहे बल्कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, आई डू सूनर डाई। मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। वेल ही सेट एट डिनर ऑन वेनसडे नाइट। वेनसडे नाइट को जैक ने कहा था डिनर पर दैट यू वुड हैव टू चूज बिटवीन दिस वर्ल्ड, कि तुम्हें इस दुनिया में रहकर ये सिलेक्ट करना चाहिए द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि तुम्हें अगली दुनिया में जाना है मरना है एंड ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया जाना है। जैक ने कही होगी इसी को बात। एल्जर्नन, ओ वेल द अकाउंट्स आई हैव रिसीव्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नेक्स्ट वर्ल्ड। अच्छा, तो मामला ये है कि मुझे अब अकाउंट्स करना है, जमा नफी करना है कि मुझे मरना है नेक्स्ट वर्ल्ड या मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। और नॉट पार्टिकुलरली इनकरेजिंग, ये बात कोई हौसला अफजा नहीं है। दिस वर्ल्ड इज गुड इनफ फॉर मी कजन सिसली। ये दुनिया मेरे लिए बहुत अच्छी है कजन सिसली, मुझे इसी दुनिया में रहने दो। येस बट आर यू गुड इनफ फॉर इट, लेकिन दुनिया अच्छी है, क्या तुम इस दुनिया के लिए भी अच्छे हो। एल्जर्नन, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट दैट। मुझे शक है मैं ऐसा नहीं हूँ। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू रिफॉर्म मी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिफॉर्म करो। यू माइट मेक दैट योर मिशन, तुम अपना मिशन बना लो मुझे ठीक करना। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम माइंड ना करो कजन सिसली। सिसली, आई एम अफ्रेड आई हैव नो टाइम दिस आफ्टरनून। मुझे शक है कि इस आफ्टरनून में मेरे पास टाइम नहीं है। रिफॉर्म करना इतना आसान हो गया है कि बस लम्हा भर में ही उसे रिफॉर्म कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन है। एल्जर्नन, वेल वुड यू माइंड माई रिफॉर्मिंग माई सेल्फ दिस आफ्टरनून। क्या आप तकलीफ उठाएंगी इस आफ्टरनून में मुझे रिफॉर्म करने के लिए। इट इज रेदर कैकस्टिक ये ऑफ यू, ये तो एक नज़र की फरेबी होगी, ये फरेब नज़र होगा महज। बट आई थिंक यू शुड ट्राई, लेकिन मेरे ख्याल में तुम रिफॉर्म करने होने की कोशिश करो। कैकस्टिक का मतलब होता है फरेब। ये तो तुम्हारे लिए एक फरेब होगा कि इतनी जल्दी तुम रिफॉर्म हो जाओ, लेकिन तुम कोशिश करो। आई फील बेटर ऑलरेडी, मैं कोशिश करूंगा, मैं तो बेहतर महसूस भी कर रहा हूँ। यू आर लुकिंग अ लिटल वर्स, तुम थोड़े से बुरे नजर आ रहे हो इसीलिए। दैट इज बिकॉज आई एम हंगरी, इसलिए कि मैं जरा भूखा हूँ। हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मैं भी कितनी पागल हूँ। आई शुड हैव रिमेंबर दैट व्हेन वन इज गोइंग टू लीड एन एंटायरली न्यू लाइफ। मुझे याद रखना चाहिए था जब एक शख्स मुकम्मल तौर पर नई जिंदगी जीने जा रहा हो, वन रिक्वायर्स रेगुलर एंड होलसम मील्स, उसको रेगुलर और बहुत ज़्यादा खानों की ज़रूरत होती है। जब बच्चे की शादी करते हैं तो क्या होता है, उसको खाने खिलाए जाते हैं, दावतें खिलाई जाती हैं कि ये नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा है। जो शख्स भी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खानों की ज़रूरत होती है। Couldn't you come in? क्या तुम अंदर नहीं आओगे? Thank you. Might I have a button hole first? मेरे button hole में कोई चीज़ होना चाहिए पहले। Coat के ऊपर वाले button में वो aristocratic society अपने महबूबा का दिया हुआ फूल लगाकर बैठता है और फिर खाना खाता है, या मेहमान जो होता है उसको मेज़बान उसके coat के button में एक गुलाब का फूल लगा देता है।
तो कहते हैं कि पहले मैं चाहता हूं कि बटन होल को फर्श देखा जाए। I never have any appetite unless I have a buttonhole first. जब तक मेरा बटन होल पहले पूरा ना हो, उसमें फूल ना लगे, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। मैरखेल नील, आ मैरखेल नील, मैं तुम्हें मैरखेल नाइल की का फूल लगाऊंगी। पिक्स अप सीजर्स, वो सीजर उठा लेता है, कैंची उठा लेती है। नो आई डोंट सूनर हैव अ पिंक रोज, हाँ मेरे पास, आई हैड, नो अच्छा आई वुड सूनर हैव अ पिंक रोज, नहीं जल्दी मेरे पास एक पिंक रोज होगा। यानी कि इशारा दिया है सिसली की तरफ। वाय कॉट्स अ फ्लावर, वो साथ ठहरे हुए फूल को काटती है, तुम्हारे पास पिंक फूल कैसे होगा। बिकॉज यू आर लाइक अ पिंक रोज कजन सिसली, कजन सिसली तुम पिंक रोज की तरह हो। सिसली आई डोंट थिंक इट कैन बी राइट फॉर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, मैं नहीं सोचती चिंक थिंक लिखना, आई डोंट थिंक इट कैन बी राइट फॉर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, मैं नहीं सोचती कि ये बेहतर होगा कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो, तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो, मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं। मिस प्रिज्म नेवर से सच थिंग्स टू मी, मिस प्रिज्म तो मुझे ऐसी कोई बातें नहीं कहती। एल्जर्नन, देन मिस प्रिज्म इज अ शॉर्ट साइटेड ओल्ड लेडी, फिर मिस प्रिज्म वो कमज़ोर आँखों वाली कोई लेडी है जो पिंक रोज को देखकर पिंक रोज नहीं कहती। सिसली पुट्स द रोज इन हिज बटन होल, उसके बटन होल में वो फूल लगा देती है। यू आर द प्रीटीएस्ट गर्ल आई एवर सॉ, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जितनी लड़कियां मैंने आज तक। सिसली मिस प्रिज्म सेज दैट ऑल गुड लुक्स आर अ स्नेयर, मिस प्रिज्म कहती है जितने लोग भी खूबसूरत नजर आते हैं वो सारे के सारे दुगज्जे होते हैं, हाँ कैचर होते हैं, परिंदों को पकड़ने वाली जाल होते हैं, स्नेयर। ये कबूतर बाजों के पास एक दुगज्जा होता है, एक ऐसा लकड़ी के ऊपर लगी हुई जाली होती है जिससे वो उड़ते हुए परिंदे को मार के पकड़ लेते हैं, जाली में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो खूबसूरत खूबसूरती भी ऐसे दुगज्जे की तरह होती है, बेचारे कबूतर फंस जाते हैं। टेक्स्ट पहले पढ़ लो, बाद में भी ये डिस्कस कर रहे हैं। जब तुम लोग पहले पढ़ते लो। एल्जर्नन, दे आर अ स्नेयर दैट एवरी सेंसिबल मैन वुड लाइक टू बी कॉट इन, वो खूबसूरत लड़कियां वाकई कैचर की तरह होती हैं। कैचर कह रहे हैं आप, दुगज्जा नहीं कहना चाहते, तो कैचर की तरह होती है जिसमें हर मर्द फंसना चाहता है। ओह आई डोंट थिंक आई वुड केयर टू कैच अ सेंसिबल मैन, मैं कोशिश करूंगी कि कोई सेंसिबल मैन को फंसाऊं। आई शुडेंट नो व्हाट टू टॉक टू हिम अबाउट, मुझे नहीं पता कि मैं इस शख्स से कैसे बात करूं। दे पास इन टू द हाउस मिस प्रिज्म एंड डॉक्टर चेजिबल रिटर्न, वो घर में चले जाते हैं दोनों, अर्नेस्ट और सिसली, और वहाँ स्टेज के ऊपर गार्डन में अब चेजिबल और प्रिज्म आ जाते हैं। मिस प्रिज्म, यू आर टू मच अलोन डियर डॉक्टर चेजिबल, डॉक्टर चेजिबल तुम बहुत तन्हा हो, यू शुड गेट मैरिड, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मिस थ्रॉप, मेरे ख्याल में तुम इंसान से नफरत करने वाले हो। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ। अ वोमन थ्रॉप नेवर, लेकिन तुम औरत से नफरत करने वाले तो बिल्कुल नहीं हो। वो स्कूल तक लेकर गया है ना, पता नहीं क्या कहा इस बेचारी को, वापस आकर कहती है कि तुम बहुत तन्हा हो और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और कह रही है तुम इंसानों से नफरत करने वाले हो सकते हो लेकिन औरत से नफरत करने वाले नहीं हो। मिसेंथ्रोप
जोनाथन स्विफ्ट पढ़ेंगे तो पूरी एक टर्म और क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिसेंथ्रोप पर पूरा सवाल आता है। ओके, तो मिसेंथ्रोप का मतलब इंसानों से नफरत करने वाला। चेजीबल विद अस सेकुलर्स शोल्डर, स्कॉलर जैसे अंदाज में, बिलीव मी, ऐसे कंधे के ऊपर से बात करते हुए, बिलीव मी आई डू नॉट डिजर्व अ नॉस्टैल्जिक फ्रेज, यकीन करो मैं ऐसे दुखी फ्रेज का मैं हकदार नहीं हूं, ऐसे दुखी फ्रेज का, अल्फाज का हकदार नहीं हूं। नॉस्टैल्जिक, पुरानी यादों वाले दुख। द प्रिसेप्ट, ख्याल किया जाता है, एज वेल एज द प्रैक्टिस ऑफ द प्राइमेटिव चर्च, जैसा कि कदीम चर्च चलते थे, उनकी प्रैक्टिस थी, वाज डिस्टिंक्टली अगेंस्ट मैट्रिमोनी, वो वाज़े तौर पर शादी वाली जिंदगी के खिलाफ होते थे। चर्च का जो पादरी होता है, पोप होता है, उसको शादी करने की इजाजत नहीं होती। ओके, तो वही बात कह रहा है कि पुराना जो चर्च था वो शादी के खिलाफ होता था, ये बात मैंने सुनी है। लेकिन अब हम ये भी सुनते हैं कि अब वहाँ के पादरी शादी कर लेते हैं। ओके, अब वो शादी कर लेते हैं। चर्च की एक बस वो थी कि जो पोप बनेगा इंतहाई मुकद्दस होना चाहिए। इस डीड को कंसीडर किया गया दैट इज़ अ रॉन्ग डीड, ना ये बुराई है, गलत है, चाहे शादी करके भी हो तो उसको पवित्र और पाक होना चाहिए। आपकी जो हॉली प्लेस है जहाँ पर आप जाते हैं हज करने के लिए, उसको कौन धोता है, वाश कौन करता है? वो औरतें और मर्द जिनको, जिन्होंने कभी भी सेक्स नहीं किया होता, यानी कि वो खुसरियाँ होती हैं या खुसरे होते हैं, वो गुसल देते हैं। ठीक है, वो इंतहाई नेक, जिन्होंने कभी किसी मर्द को नहीं छुआ होता और मर्दों ने किसी औरत को नहीं छुआ होता, वो साफ करते हैं। ओके, तो उनके रिलीजन में इस तरह से है कि वो पोप शादी नहीं करेगा। ठीक है, मिस प्रिज्म सेंटेंशियसली, वो सेंटेंशियसली या ऐसे फील करते हुए, द फीलिंग्स द टची होकर कहती है, दैट इज ऑब्वियसली द रीजन व्हाई द प्राइमेटिव चर्च हैज नॉट लॉस्ट इट अप टू द प्रेजेंट डे, इसीलिए तो प्राइमेटिव पुराने कदामत पसंद जो चर्च थे वो ज़्यादा देर तक चले नहीं, आज के दिन मौजूद ही नहीं है। क्यों? उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। रिस्ट्रिक्शन आप जिस जगह भी लगाएंगे, जिस जगह भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, इंसान की नेचर को बंद करने की कोशिश करेंगे, वहाँ वहाँ आखिर बगावत उठेगी, वहाँ वहाँ इंसान उससे आखिर नफरत करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए आप लोगों को या हम तमाम लोगों को कि जी अगर आप मुकद्दस रहना चाहते हैं तो आपने पेशाब नहीं करना, ठीक है, तो हम मेरे ख्याल में दो दिन बर्दाश्त करेंगे, फिर हमने कुहाड़े और बंदूकें निकाल लेनी है। हमने कौन था वो जो हमें ये कहता था? हम उसके खिलाफ हो जाएंगे ना। नेचर को जहां जहां आप स्टॉपेज देंगे, बंद करेंगे, तो वहां क्या हो गया? नेचुरल प्रोसेस है ना, उसको बंद नहीं कर सकते आप। मैं क्वाइट नेचुरल मैंने एग्जांपल देनी थी जिस पर आप ऊँ आना कर सके, मैंने तो वो देनी थी ना आप, ताकि आर्गुमेंट कर ही ना सके खौफ से ही। एंड यू डू नॉट सीम टू रियलाइज डॉक्टर, डियर डॉक्टर, और डियर डॉक्टर तुमने रियलाइज नहीं किया दैट बाय परसिस्टेंटली रिमेनिंग सिंगल, ये अहम लाइन है कि मुसलसल सिंगल रहना, अ मैन कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू अ परमानेंट पब्लिक टेम्पटेशन, इंसान मुसलसल आवाम के लिए भटकावे का सबब बनता है। हम आम ख्याल ये किया जाता है जो शख्स सिंगल रहता है लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन हकीकत यह है जो शख्स सिंगल रहता है तमाम लोग उसके बारे में सोचते हैं
और ज़्यादा उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, भाई ये शादी कर ले, उसको उसके रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है कि वो सिंगल क्यों रह रहा है। तो कहता है कि कहती है कि एक सिंगल मैन अगर रहेगा तो मुसलसल वो पब्लिक में टेम्पटेशन का निशाना बनेगा, उसको पब्लिक बार बार उकसाएगी। मैन शुड बी मोर केयरफुल, मर्दों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दैट वेरी सेलिबेसी, सिंगल रहना, सेलिबेसी सिंगल, कि ये जो सिंगल रहना है लीड्स वीकर वेसल्स अस्ट्रे, ये कमज़ोर बर्तनों को भटका देता है। सिंगल रहना इंसान को भटका देता है, ये बात की गई। चेजिबल, बट इज अ मैन नॉट इक्वली अट्रैक्टिव व्हेन मैरिड, क्या इंसान उस वक्त अट्रैक्टिव नहीं लगता जब वो शादी कर लेता है? क्या सवाल है? जब इंसान शादी कर लेता है तो क्या वो अट्रैक्टिव नहीं रहता? मिस प्रिज्म, नो, मैरिड मैन इज एवर अट्रैक्टिव एक्सेप्ट टू हिज वाइफ। शादीशुदा मर्द जो है हमेशा बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है सिवाय अपनी वाइफ के लिए, उसकी वाइफ उसमें कोई अट्रैक्शन फील नहीं करती। बाकी सारी औरतें कहती हैं कि हाय इतना अच्छा ये आदमी है और उसके साथ है, ठीक है, बाकी सारे सबके लिए वो अट्रैक्टिव होता है आदमी, वाइफ के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। चेजिबल, एंड ऑफन आई हैव बीन टोल्ड नॉट इवन टू हर, और मैंने मुझे अक्सर बताया गया है कि नॉट इवन टू हर, कि वाइफ भी उसके लिए नहीं होती अट्रैक्टिव, या वो भी वाइफ के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखता। मिस प्रिज्म, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेलेक्चुअल सिंपैथीज ऑफ द वेमेन, ये अकली हमदर्दियों पर डिपेंड करता है औरत की। मैच्योरिटी कैन ऑलवेज बी डिपेंडेड ऑन, और मैच्योरिटी हमेशा डिपेंड करती है अकली हमदर्दी पर। राइपनेस कैन बी, राइपनेस कैन बी ट्रस्टेड, मैच्योरिटी ट्रस्टवर्दी कोई चीज़ है। यंग वेमेन और ग्रीन, नौजवान जो लड़कियां होती हैं वो सब्ज होती हैं गुजरी की तरह, आज यही सब्ज है आज तुम्हारी किस्मत है। यंग वेमेन आर ग्रीन, नौजवान लड़कियां जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। डॉक्टर चेजिबल स्टॉट्स, डॉक्टर चेजिबल एकदम झटका खाता है, ग्रीन होती हैं, ये क्या बात हुई? आई स्पोक हॉर्टिकल्चरली, मैंने पौधों के मुतल्लिक से होकर बात की है। माई मेटाफर वॉज ड्रॉन फ्राम फ्रूट्स, मैंने अपना मेटाफर लिया है फ्रूट्स से। बट वेयर इज सिसली, सिसली कहाँ है? आपको बात है चेजिबल ने भी कोई ऐसी बात की थी, उसने कहा मैंने अपना मेटाफर लिया है फिलहाल जगह से, बड़ी अब नॉर्मल सी कोई बात थी, उसने बदला ले लिया, उसने कहा कि मैंने मेटाफर फ्रूट से लिया और यंग वेमेन ग्रीन होती हैं, कोई बात नहीं है खास। चेजिबल, परहैप्स शी फॉलोड अस टू द स्कूल्स, मेरे ख्याल में वो हमारे पीछे पीछे स्कूल तो नहीं आ गई थी। इंटर जैक स्लोली फ्रॉम द बैक ऑफ द गार्डन, और वो गार्डन की बैक से जैक आता है, ऐसा ऐसा चलता हुआ जैक गार्डन की बैक साइड, जैक वर्दिंग आ गया है लंदन से। ओके, ही इज ड्रेस्ड इन द डीपेस्ट मॉर्निंग, उसने इंतहाई मातमी लिबास पहना हुआ है, विद क्रैप एक ब्लैक बैंड हैट बैंड, एक रिबन है जो हैट के ऊपर बैंड बनाया हुआ उसने, ब्लैक उसने एक रिबन बांधा हुआ है अपने हैट पर, क्रैप हैट बैंड एंड ब्लैक ग्लव्स, काले ग्लव्स पहने हुए हैं, काला कोट पहना हुआ है, काली पैंट पहनी हुई है और काली उसने नेक टाई लगाई हुई है और हैट के ऊपर भी काला रिबन लगाया हुआ है मुकम्मल, और हाथ में उसके एक बर्तन भी है जिसके अंदर उसके भाई की राख कंसिडर की जाती है। मिस प्रिज्म, मिस्टर वर्दिंग, चेजिबल, मिस्टर वर्दिंग, मिस प्रिज्म, दिस इज इंडीड अ सरप्राइज, ये तो दर हकीकत एक सरप्राइज है। वी डिड नॉट लुक फॉर यू टिल मंडे आफ्टरनून, हम मंडे आफ्टरनून तक आपको तवक्का नहीं कर रहे थे। जैक शेक्स मिस प्रिज्म हैंड इन अ ट्रेजिक मैनर,
मिस प्रिज्म से हाथ मिलाता है, उसका हाथ हिलाता है बहुत ही दुखी अंदाज में। आई हैव रिटर्न सूनर देन आई एक्सपेक्टेड डॉक्टर चेंजबल, आई होप यू आर वेल। मैं आया हूँ जल्दी, जैसा कि मैं तवक्को किया जा रहा था कि आऊँगा, उससे जल्दी आया हूँ। डॉक्टर चेंजबल, उम्मीद है तुम ठीक होगे। चेंजबल, डियर मिस्टर वार्डेन, आई ट्रस्ट दिस गार्ब ऑफ वो, मैं यकीन करता हूँ ये जो तारीख दुख है डज नॉट ब्रोकन सम टेरिबल कॉलमेटी, इसने कोई खौफनाक किस्म की बला को नहीं उतारा होगा, कोई एक खौफनाक मुसीबत नहीं टूट पड़ी होगी, ब्रोकन टूट पड़ी होगी। मुझे यकीन है कि ये दुखी सीन देखकर मुझे यकीन है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आई, वो ये कहता है। माय ब्रदर मिस प्रिज्म, मोर शेमफुल डेट्स एंड एक्स्ट्रावेगेंस, वो बहुत ज्यादा जुर्म लिए हुए हैं, डेट्स जुर्म के उसके ऊपर कर्ज हैं, बहुत ज्यादा जुर्म लिए और बहुत ही शोखा आदमी। स्टिल लीडिंग इज लाइफ ऑफ प्लेयर, अभी तक वो अपनी खुशियों की जिंदगी जी रहा है। जेड, शेकिंग इज हेड, अपना सर हिलाते हुए, डेड, मर गया है। योर ब्रदर अर्नेस्ट डेड, तुम्हारा भाई अर्नेस्ट मर गया, क्वाइट डेड, बिल्कुल मर गया। मिस प्रिज्म, व्हाट अ लेसन फॉर हिम, उसके लिए क्या ये लेसन सबक था। आई ट्रस्ट ही विल प्रॉफिट बाय इट, मुझे यकीन है उसको यही ही मिलना चाहिए था, यही उसका नफा है, उसको मौत ही मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत बुरा था। चेजी बात, मिस्टर वर्देन, आई ऑफर यू माई सिंसियर कंडोलेंस, मैं आपको पेश करता हूँ अपनी मुखलिस ताजियत, मैं आपसे दुख का इजहार करता हूँ। यू हैव एट लीस्ट द कंसोलेशन ऑफ नोइंग दैट, आपको कम अज कम इतनी मैं ताजियत करता हूँ, ऑफ नोइंग दैट यू वर ऑलवेज द मोस्ट ग्रीशियस जेनरस, कि तुम अक्सर उसके साथ जेनरस काइंड थे, मेहरबान थे, एंड फॉर गिविंग अ ब्रदर्स, और तुम उसको माफ कर देने वाले थे। मैं इंतहाई ताजियत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप बहुत मेहरबान थे उसके साथ और उसको माफ कर देने वाले थे। जैक, पुअर अर्नेस्ट, ही हैड मैनी फॉल्ट्स बट इट इज अ सैड सैड ब्लो, उसकी कई गलतियाँ थी लेकिन ये बहुत बहुत दुख वाली मुसीबत है मेरे लिए, धचका है, ब्लो धचका है। छेजी बात, Very sad indeed. Were you with him at the end? क्या आप उसके साथ थे जब वो मरा? No. He died abroad. वो किसी और मुल्क में मरा है. In Paris, in fact. वो पेरिस में जाके मरा है. I had a telegram last night from the manager of the Grand Hotel. Grand Hotel के मैनेजर से असल में मुझे एक टेलीग्राम, एक इंतहाई अर्जेंट आने वाला खत मसूल हुआ है जिसे तार कहते हैं। आजकल तो आपको पता नहीं है तार किसे कहते हैं। वो एक तो वैसे खत आता था, एक इंतहाई अर्जेंट खत आता था, वो एक पोस्टमैन ही लेकर चल पड़ता था वहीं से मतलूबा जगह पर, तो उसके पैसे ज़्यादा होते थे तो डेथ की खबर देने के लिए तार आया करते थे। तो तार जिस गांव में आते थे वो गांव वाले पूरे अफसरदा और दुखी हो जाते और शोर मच जाता कि तार आया है, किसका तार आया है। स्पेसिफिक डेथ के लिए नहीं होता था, तार के लिए शादी भी नहीं, कोई इंतहाई इमरजेंसी हो तो तार आ जाता था। तो तार का नाम सुन के औरतें कहती अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, तार आ गया। तो मोस्टली तार जो है वो डेथ के लिए आता था। ठीक है, अब आप बद्दुआ भी दे सकते हैं, अल्लाह करे तुझे तार आए। ठीक है, अब ये तार तो नहीं आते, आप बस आप तार बद्दुआओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। चेजी पर,
वॉज द कॉज ऑफ डेथ मेंशन्ड, क्या मौत की वजह बताई डॉक्टर्स ने? और सीवियर चिल इट सीम्स, ऐसा लगता है शदीद सर्दी ये वजह थी। मिस एज अ मैन सोस सो शैल ही रीप, जैसा इंसान बोता है वैसा इंसान काटता है। चेजीबल रेजिंग हिज हैंड, अपने हाथ उठाते हुए, चैरिटी डियर मिस प्रिज्म, चैरिटी मेहरबानी से पेश आओ, मिस प्रिज्म मेहरबानी से पेश आओ। चैरिटी का मतलब वही खैरात, मेहरबानी। नन ऑफ अस आर परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। आई माई सेल्फ एम पिकुलरली, मैं खुद खास तौर पर ससेप्टिबल, मैं खुद अफेक्टेड हो जाता हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हूँ, मुतासर हो जाता हूँ, भटक जाता हूँ टू ड्राउट्स, शराब की तरफ। मैं खुद शराब की तरफ माइल हो जाता हूँ। कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। वेल द, ये आगे क्या लिखे हैं जी? इंटरमेंट टेक प्लेस हियर। इंटरमेंट का मतलब है कफन, दफन का प्रोसेस। बाकी चीज़ें क्या यहाँ पर टेक प्लेस होंगी, यानी कि बाकी रसूमात कुल खानी यहाँ करेंगे? जैक नो, ही सीम्स टू हैव एक्सप्रेस अ डिजायर टू बी बोरेड इन पेरिस, ऐसा लगता है कि उसने ख्वाहिश की है कि वो वसीयत लिखी है कि वो कहाँ मरेगा, कहाँ पर? पेरिस में ही दफन होगा। छह जी पर इन पेरिस, पेरिस में शेक्स हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए, आई फेयर दैट हार्डली पॉइंट्स टू एनी वेरी सीरियस स्टेट ऑफ माइंड एट दैट लास्ट, मेरे ख्याल में आखिर में उसके दिमाग में इंतहाई कोई संजीदा कैफियत चल रही थी कि उसने पेरिस में दफन होने का सोचा है। यू वुड नो डाउट विश मी टू मेक सम स्लाइट अलूजन टू दिस ट्रेजिक डोमेस्टिक एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब मिसफॉर्चून। इस डोमेस्टिक मिसफॉर्चून के ऊपर मेरा ख्याल है और मुझे कोई शक नहीं कि आप चाहेंगे कि मैं कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहूँ, अलूजन, कोई ना कोई काम शुरू करूँ, कोई ना कोई कीर्तन ज़रूर करूँ। कीर्तन समझते हैं, ये जो मरने के बाद स्वाहा स्वाहा पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है, ये कीर्तन कोई ना कोई ज़रूर करूँ मैं। नेक्स्ट संडे को इस लाइन को दोबारा समझाऊं। यू वुड नो डाउट, तुम कोई शक नहीं, विश मी, मुझसे चाहोगे जैक, टू मेक सम स्लाइट अल्यूजन, कि मैं कोई ना कोई कीर्तन जरूर करूं टू दिस ट्रेजिक डोमेस्टिक एफ्लिक्शन, इस एक दुखी घरेलू मुसीबत पर, ला नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे को, यानी कि कोई दुआ करें। जैक प्रेसेस हिज हैंड कन्वुलेसली, कन्वल सिवली, वो अचानक से एकदम से उसके हाथ को प्रेस करता है। माय सर्मन ऑन द मीनिंग ऑफ द माना इन द वाइल्डनेस, मेरा वो जो सर्मन तकरीर है, मजहबी तकरीर सर्मन, जिसमें मैं जिक्र करता हूँ कि मनोसलवा का, इसराइलीज को जो मनोसलवा उतरता था, माना उतरता था इन द वाइल्डनेस, जंगल में, वो जो मैं तकरीर करता हूँ जिसमें यहूदियों को मनोसलवा मिला करता था, कैन बी अडॉप्टेड, वो अडॉप्ट किया जा सकता है टू ऑलमोस्ट एनी ओकेजन, किसी भी मौके पर, जॉयफुल, खुशी का मौका हो तो मैं मनोसलवा वाली तकरीर करता हूँ, और एज इन द प्रेजेंट केस, जैसे कि अब का मामला है तो मैं वहीं अडॉप्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रेसिंग, ये इंतहाई मायूस कुन है। अब यानी कि उसने एक तकरीर याद की हुई है, वो तकरीर खुशी का मौका हो दुख का मौका हर जगह सूट कर जाती है, और वही तकरीर दाग देता है। वो कौन सी तकरीर है, किस पर? बनी इसराइल पर, यहूदियों पर।
all sigh. I have preached it at harvest celebrations. मैं इस तकरीर को प्रीच कर चुका हूँ कहाँ पर, कटाई के मौसम जब आता है तब भी मैं यही तकरीर करता हूँ. क्रिश्चियंस, जब छोटे बच्चों का नाम रखा जाता है चर्च में, वो बच्चे लेकर आते हैं लोग, फिर भी यही तकरीर करता हूँ. कन्फर्मेशंस, शादियों की कन्फर्मेशन हो जाए फिर भी यही तकरीर करता हूँ. ऑन डेज ऑफ ह्यूमिलेशंस, किसी की बेइज्जती हो जाए और वो चर्च में आ जाए फिर भी यही तकरीर करता हूँ. एंड फेस्टिवल डेज, और फेस्टिवल्स पर भी मैं यही तकरीर करता हूँ. ठीक है, मल्टी पैरा उसने याद किया हुआ है. हमारे एक दोस्त ने मलिक जहांगीर, उसने एक पैरा याद किया हुआ था पक्का पक्का. तो जब भी बहस बहुत गर्म हो जाती तो उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता था, वहीं एक पैराग्राफ उसे आता था. ठीक है, और पूरा पैराग्राफ पढ़ता था और सारे के सारे पब्लिक जो होती थी, चलने वाले भी बैठे हुए भी, सारे के सारे देखते रह जाते, बंदा इतने गुस्से में इंग्लिश बोल रहा है, कह क्या रहा है ये. ठीक है, और उस बंदे की भी इतनी बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है, और मूछों के नीचे से होंठ पता नहीं कहाँ पर हैं और इंग्लिश आ रही है, बस ये पता चलता था. तो उसके बाद सारा माहौल ऐसे एक बार ट्रेजिक हो जाता था, फिर हर चीज़ काम हो जाती है और कह के लगते हैं. वो अक्सर ऐसा काम जो ना उनके साथ करता था, जो नए नए उनके मेहमान होते और उसके साथ बहस में वैसा अगर हो जाता था, जिनको पता नहीं होता था कि ये तकरीर भी होनी है एंड पर. द लास्ट टाइम आई डिलीवर्ड इट वॉज इन द कैथेड्रल, और आखिर में मैंने इसको डिलीवर किया था कैथेड्रल चर्च में एज अ चैरिटी सरमन. इसको मैंने चैरिटी के तौर पर कर दिया था. अब चैरिटी की तकरीर करनी थी कि चैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, उस पर मैंने ये तकरीर की थी. ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसकंटेंट अमंग द अपर ऑर्डर्स, किस बात पर, सोसाइटी के अंदर तहफ्फुज़ होना चाहिए, किसका, बेचैनी का, अपर ऑर्डर्स में, ऊपर वाले तबके में, आला तबके के लोगों में जो बेचैनी के तहफ्फुज़ की, बेचैनी ख़त्म की जाए उनमें, बेचैनी के तहफ्फुज़ के ऊपर जो सोसाइटी में तकरीर करनी थी मैंने, उस तकरीर में भी मैंने यही सरमन पढ़ा था. यानी कि पॉलिटिकल तकरीर भी कर रहा है, सोशल तकरीर भी कर रहा है, किसानों की भी अगर बात है तो वो एक ही सरमन चलता है. वो कहता है यही सरमन मैं तुम्हारे भाई के लिए भी पढ़ दूंगा अगले संडे. द बिशप हु वाज प्रेजेंट, बिशप जो बैठा हुआ था वहां पर, वाज मच स्ट्रक, वो तो एकदम हैरान हो गया था. बाय सम ऑफ द एनालॉजीज आई ड्रू, जिस तरह के मैंने कंपेरिजन उसके अंदर से निकाले थे कि अपर क्लास को तहफ़ दिया जाए. अब उसने वो तकरीर पढ़ी और उस तकरीर में से उसने चीज़ें निकाल निकाल कर अपर क्लास के साथ मैच कर दी. ठीक है, लोग इस तरह मैचेस बनाते रहते हैं. तो आज मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था कि ऊपर लिखा हुआ था चार्ल्स डिकन्स ने कहा कि इमाम हुसैन वो अपने बच्चों को और बीवियों को क्योंकि साथ लेकर गए थे मैदान जंग में, इसलिए वो जंग के इरादे से नहीं गए थे. चार्ल्स डिकन के साथ तस्वीर भी दी हुई थी मैंने फेसबुक पर, आज ही देखी है, पर मैंने शेयर किया या नहीं किया, लाइक किया कि नहीं की, वो इसलिए लाइक बात का चीज़ें करता हूँ कि मुझे याद रह जाएँ कि इस तरह की चीज़ें भी आई हैं. ठीक है, चार्ल्स डिकन बेचारे को पता भी नहीं इन चीज़ों का. मैंने कभी नहीं पढ़ा चार्ल्स डिकन कोई मजहबी भी व्यूज़ रखता था, इंटरेस्ट था उसको, उसकी और तरह की लाइफ थी. अब वो ये बात बड़ी मशहूर सी है कि क्योंकि वो बच्चे और बीवियाँ साथ लेकर गए थे तो लड़ाई के लिए नहीं गए थे, ये बात बड़ी मशहूर सी है, और वो चार्ल्स डिकन्स के साथ लगा कर उन्हें लगा दी है, तो कंपैरिजन बना दिए गए हैं. ओके, इसी तरह ये भी वहीं एक तकरीर करता है और उसके कंपैरिजन निकाल लेता है कि जी इसमें ये बात भी मौजूद है साथ. ओके, जैक, आह दैट रिमाइंड्स मी यू मेंशन क्रिश्चियंस आई थिंक डियर चेजिबल. हाँ,
ये मुझे याद कराता है तुमने जब क्रिश्चनिंग का लफ्ज़ कहा, मैंने सोचा डॉक्टर चेजीवाल, आई सपोज यू नो हाउ टू क्रिश्चन ऑल राइट। मेरे ख्याल में कम से कम तुम बच्चों के क्रिश्चन नाम रखवाना या रखना तो ठीक जानते हो ना, और कोई काम तुम्हें आता है नहीं आता, बच्चों के नाम तो रखवा सकते हो ना, रख सकते हो चर्च में। डॉक्टर चेजीवाल लुक्स अस्टाउंडेड, डॉक्टर चेजीवाल एकदम परेशान नजर आया। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर कंटिन्यूली क्रिश्चनिंग आर नॉट यू, मेरा कहने का मतलब है तुम मुसलसल बच्चों को क्रिश्चन कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे, यानी कि उनके नाम रख रहे हो कि नहीं, ये क्यों पूछ रहा है? उसने अपना नाम चेंज करना है। मिस प्रिज्म, इट इज आई रिग्रेट टू से, हाँ ऐसा है, मुझे अफसोस है, मैं कह रही हूँ, वन ऑफ द रिएक्टर्स मोस्ट कॉन्स्टेंट ड्यूटीज, पादरी की सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है इन दिस फेरिश, पादरियों की हलका में, वो यही होती है बच्चों के नाम रखना। अब आप ये भी साथ देखें कि यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड साथ साथ रिलीजन को भी डिस्कस कर रहा है। उस 19वीं सेंचुरी में पता चल गया कि रिलीजन से लोग इतने दूर हो गए कि अब मौलवी को, पादरी को वो कंसीडर करते हैं कि ये तो बस बच्चों के नाम रखने के लिए है। जिस तरह के आज हम मौलवी को क्या समझते हैं, मौलवी इज नॉट अ लीडिंग पर्सनैलिटी इन अवर लाइफ, ही इज नॉट लीडिंग पर्सनैलिटी, उसका मतलब मौलवी का मतलब है कि ये मस्जिद का ख्याल रखेगा और या नमाज पढ़ाएगा, कोई मर जाएगा तो उसे बुलाएंगे कि नला भाई इसे, और जनाजा पढ़ाए इसका। हमें जनाजा पढ़ाना तो नहीं आता भाई, मेरा दादा फौत हो गया, मेरे बाप ने जनाजा नहीं पढ़ाया, हालांकि उसे पढ़ाना चाहिए था, उसने किसने पढ़ाया, मौलवी ने। तो मौलवी आज हमने भी ऐसे रखा हुआ है कि भाई मस्जिद की हिफाजत भी करेगा, जब कभी हम जाएंगे तो जुमा भी पढ़ाएगा, बाकी मौत फौत होती है तो सिलसिला बनाया हुआ है। तो यहाँ भी देखिए वो वहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहाँ उस वक्त पादरी क्या कर रहा था। कोई भी शख्स होता है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि दे आर रॉन्ग, कोई भी फील्ड है, इवन कि लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर इंतहाई जदीद तब्दीलियाँ आ रही हैं, इंतहाई जदीद चीज़ें आ रही हैं, क्यों, कहीं लिटरेचर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, पहले ड्रामे का मतलब होता था मज़ा लेना, ट्रेजेडी देखकर रोना, कॉमेडी देख के हंसना। अब ट्रेजेडी ड्रामे का मतलब है कोई नया सेंस देना, कोई नई बात देना, कोई नया ख्याल देना, कोई लीडिंग पॉइंट इशू करना, किसी मसले का हल निकालना, चीज़ें बदलती जा रही हैं। भाई मैं फिर वही एग्जांपल देता हूँ, पीके मूवी में, और पहले कोई मूवी थी जिगर मूवी में, कोई फ़र्क है पीके मूवी में या उससे पहले कोई एक्शन मूवी, कोई भी आप ले लें उसमें और इसमें फ़र्क है। अब ये मूवी आपको पूरी एजुकेशन दे रही है, सेंस दे रही है, पहली वाली मूवी आपको क्या देती है, मज़ा देती है। आमिर खान की पिछली मूवी आप देखें जिसके अंदर वो लंगड़ी होती है, कौन कौन सा गाना है ना, क्या फिल्म, मन जी फिल्म का नाम है, ठीक है, मनीषा कुराला है उसके अंदर, है हाँ मनीषा कुराला, ठीक है। तो अब मन फिल्म में और पीके में ये है फिल्म का सफर, पहले एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, लड़की है, ट्रेजेडी है, खूबसूरती है, गाने हैं, मोहब्बत है, मज़ा है। अब क्या है, अब हमने पीके को लोग किस लिए याद रखते हैं, इसलिए कि उसने वो उस लड़की के साथ मोहब्बत कैसे की, नेवर, हम उसको याद रखते हैं कि उसने क्या क्या बातें की, सेंस क्या है ने? ओके, तो सेम लाइक कोई भी फील्ड उस वक्त सरवाइव करेगी अगर वो मॉडर्न दौर के साथ चलेगी। अगर आपके मौलवी साहब मस्जिद में बैठकर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते दुरूद शरीफ पढ़कर, तो सारे मौलवी बनना पसंद करते, और मौलवी सर पर सफेद खूबसूरत टोपी, चिट्टा चोला, नीचे चिट्टी शलवार, नीचे ब्लू कलर के चप्पल, आए हाय 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 हाय,
लोग ऐसे पहन के इतरा के चलते, ठमक ठमक कर चलते और कहते यार क्या ग्रेस है, अंग्रेज भी ऐसा करना चाहते। लेकिन क्योंकि हमारा मौलवी साहब उसको आम रहन सहन का ही पता नहीं है, उसको इतना भी पता नहीं है कि इन लोगों को मैं जो अरबी में कह रहा हूं इनको कुछ समझ नहीं आती, तो वो हमें सेंस नहीं देगा तो वो पीछे चला जाएगा। और माशरा रौन देता है ऐसे फील्ड को, कोई भी फील्ड है, चाहे हमारी फील्ड क्यों नहीं है। बट दे डोंट सीम टू नो व्हाट थ्रिफ्ट इज, लेकिन ये जानते नहीं हैं। अच्छा, आई हैव ऑफन स्पोकन टू द पुअरर, यहाँ से मैंने पढ़ना था, मैंने अक्सर गरीब लोगों से कहा है, पुअरर क्लासेस गरीबों से कहा है, ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर मैं अक्सर गरीब लोगों को कहती हूँ कि चर्च में आकर अपने बच्चों के नाम रखा करें, बट दे डोंट सीम टू नो व्हाट थ्रिफ्ट इज, लेकिन वो जानते नहीं किफ़ायत शायरी क्या चीज़ होती है, किफ़ायत शायरी क्या चीज़ होती है, सुघड़पन क्या होता है, नफासत क्या होती है, चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये गरीब लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि वो आए चर्च में बच्चों को क्रिश्चियन करें। चीज़ी बात, बट इज देर एनी पर्टिकुलर इन्फेंट इन होम यू आर इंटरेस्टेड मिस्टर वर्दिंग, लेकिन क्या कोई ख़ास बच्चा है जिसके लिए मिस्टर वर्दिंग आप इंटरेस्टेड हों कि उसको क्रिश्चियन करना है। योर ब्रादर वॉज आई बिलीव ऑन मैरिट, वॉज ही नॉट, आपका भाई मुझे यकीन है वो तो गैर शादीशुदा था, क्या वो नहीं था? ओह यस मिस प्रिज्म बिटरली, पीपल हु लिव इंटायरली फॉर प्लेयर यूजुअली आर, लोग वो जो सिर्फ महज खुशियों के लिए रहते हैं अक्सर उनके बच्चे नहीं होते। पैराडॉक्स है, बहुत अच्छा है। अब वो तनजिया कह रही है, स्टायर भी है, कि जो लोग महज खुशियों के लिए रहते हैं उनके बच्चे नहीं होते, उनका कोई वल्ली वारस नहीं होता, लेकिन दर हकीकत बात ठीक है, खुशहाल वही होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ठीक है, बच्चे नहीं होंगे, बेगम को कहेंगे बेगम इस वीक वीकेंड पर चलेंगे, किधर कराची चलेंगे सी साइड, इस वीकेंड पर हम जाएंगे एरोप्लेन की सैर करेंगे, ठीक है फिलहाल शहर जाएंगे, इस गर्मियों की छुट्टियों में हम जाएंगे थाईलैंड घूम के आएंगे, इस गर्मियों की छुट्टियों में हम आपको उमरा कराएंगे। ठीक है, ये अगर बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे साथ हैं तो कहते इस वीकेंड को देखो किसके घर जाएं, घर खाना ना पकाना पड़े, ठीक है घर खाना ना पकाना पड़े, किसके घर जाएं जब बच्चे हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में मेहमान आ जाए और हम किसी के घर चले जाएं। तो खुशहाल जिंदगी किसकी होती है? जिनके बच्चे नहीं होते। अल्लाह तुम्हारे हौसले बुलंद करे। जैक, बट इट इज नॉट फॉर एनी चाइल्ड डियर डॉक्टर, लेकिन ये किसी बच्चे के लिए नहीं है। डियर डॉक्टर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिश्चियन, मैं खुद बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ क्रिश्चियन होने का, नो द फैक्ट इज आई वुड लाइक टू बी क्रिश्चियन माई सेल्फ, मैं दर हकीकत खुद अपने आप को क्रिश्चियन करना चाहता हूँ दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को, इफ़ यू हैव नथिंग बेटर टू डू, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए बेहतर तो। बट श्योरली मिस्टर वर्दिन यू हैव बिन क्रिश्चियन ऑलरेडी, लेकिन यकीनन मिस्टर वर्दिन आप तो पहले से ही क्रिश्चियन हो चुके हैं, आपका नाम रखा जा चुका है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं कब मेरा नाम रखा गया और मैं क्रिश्चियन हुआ, मैंने नाम इसलिए रखना है। बट हैव यू एनी ग्रेव डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन क्या इस सब्जेक्ट पर कोई शक है? बट हैव यू एनी ग्रेव डाउट्स, क्या तुम्हें कोई शदीद शक है इस सब्जेक्ट पर कि तुम सही क्रिश्चियन नहीं हुए? आई सर्टेनली इंटेंड टू हैव, यकीनन मैं इरादा रखता हूँ टू हैव, कि मुझे शक है इस सब्जेक्ट पर। ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो इफ द थिंग वुड बोदर यू इन एनी वे,
मैं नहीं जानता कोई चीज भी आपको परेशान करे किसी तरह से भी। और इफ यू थिंक आई एम अ लिटल टू ओल्ड नाउ, या तुम सोचते हो कि मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया हूं। आई एम अ लिटल टू ओल्ड नाउ, मैं थोड़ा सा बड़ी उम्र का हो गया हूं। वो कहते हैं कि मेरे जहन में ये शक है कि मुझे सही क्रिश्चियन नहीं किया गया, मेरा नाम सही नहीं रखा गया। तो जो चीज़ों पर शक होता है वो जहन को परेशान करती रहती हैं वो चीज़ें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊँ, लेकिन बताओ कि क्या मेरी उम्र ज़रा बड़ी तो नहीं हो गई। चेजबल, नॉट एट ऑल, नहीं इतनी बड़ी नहीं हुई। द स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काना बच्चों पर, मुकद्दस पानी का। एंड इंडीड, और दर हकीकत। द इमर्जन, इमर्जन होना, मौजूद होना। ऑफ एडल्ट्स, बड़े का। इज़ अ परफेक्टली कैनोनिकल प्रैक्टिस, ये मुकम्मल तौर पर एक मजहबी तकरीब है। पानी का छिड़काना और किसी बड़े का मौजूद होना, ये एक मजहबी तकरीब का हिस्सा है। कुछ भी नहीं कहा, वैसे ऐसे बात कर रहा है। इमर्जन, इमर्जन बड़ा मौजूद होना। यू नीड हैव नो एप्रीहेंशंस, तुम्हें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंकलिंग इज ऑल दैट इज नेसेसरी, बस यूँ समझो कि पानी छिड़कना ही सबसे अहम होता है। आर इंडीड आई थिंक एडवाइजबल, या मैं कहूँगा बस यहीं एक एडवाइस करने वाली बात होती है कि पानी माथे पर ज़रूर छिड़का लेना चाहिए। आवर वेदर इज सो चेंजेबल, हमारा मौसम हर वक्त बदलता रहता है। एट वॉट हर वुड यू विश द सेरेमनी परफॉर्म, आप क्या चाहते हैं कि हम ये क्रिश्चियन होने वाली तकरीब किस वक्त परफॉर्म करें। आई मॉट ट्रोट राउंड अबाउट 5 इफ दैट वुड सूट यू, मैं आई माइट ट्रोट राउंड, मैं घोड़े पर सवार होकर आ जाऊंगा तकरीबन 5 बजे, क्या ये आपको सूट करता है। चेजीवन, परफेक्टली परफेक्टली, आई इनफैक्ट आई हैव 2 सिमिलर सेरेमनीज टू परफॉर्म एट दैट टाइम, इस वक्त मुझे 2 एक जैसी सेरेमनीज परफॉर्म करनी है, कुछ बच्चे और भी मैंने क्रिश्चियन करने हैं। अ केस ऑफ ट्विंस, 2 लोगों का, ट्विंस का मामला है। That occurred recently in one of the outlying cottages, जो कि occurred, पैदा हो गए हैं, ये यहाँ से दूर किसी घर के अंदर, कॉटेज के अंदर। On your own state, तुम्हारी स्टेट से, आपके गांव के अंदर ही, ज़रा आपके घर से दूर किसी घर में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, मैंने उनको भी क्रिश्चियन करना है, तो साथ तुम्हें भी भुगता दूंगा। पुअर जेनकिंस द कार्टर, वो बेचारा जेनकिन जो जैज का साज बजाता रहता है। जैज एक साज का नाम है, म्यूजिक का नाम है, जैज म्यूजिक, उसी के नाम पर आपकी ये एक मोबाइल कंपनी सिम की, क्या कहते हैं उसे, मोबिलिंक, ये इन्होंने भी जैज रखा हुआ है नाम। जैज का लफ्ज निग्रोस से अटैच होता है, ये एक तेज़ ऊंची रिदम का साज है जो कि इनकलाबियों ने इन्वेंट किया था। जब इनकलाब आया था अमेरिका में तो उन्होंने इन्वेंट किया था। आपने इमरान खान के जलसे देखे हैं ना, उसके अंदर ऊंचे सुर के गाने गाए गए हैं। जब अमेरिका में भी इनकलाब आया था सेम ऐसे ही था, वहाँ पर उन्होंने अपनी म्यूज़िक इन्वेंट कर ली थी, फिर लोग जहाँ जहाँ से गुजरते थे वो म्यूज़िक बज रहा होता था, तो उस म्यूज़िक को सुनकर लोगों को अंदाज़ा होता है भाई इनकलाब आ जाएगा, ये लोग बहुत गर्म हैं। ठीक है, हम लोगों ने हमेशा चीज़ों को एंजॉय किया है, चस्का लिया है, और बाहर की दुनिया ने हमेशा चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है। हमने इवन के मज़हब को लिया है और मज़हब के मज़े लिए हैं। नमाज पढ़ना एक मज़े की कैफियत पैदा कर देती है अगर आप पूरे खशू व खुशू के साथ पढ़ें, लेकिन बाहर की दुनिया ने आपके मज़हब को इस्तेमाल किया है
और आपको भिड़ा दिया रशिया के साथ, अपने ही मुल्क अफगानिस्तान के साथ, तालिबान आपके गले में डाले, चले गए। ठीक है, उन्होंने आपके मज़हब का इस्तेमाल करके रशिया जैसे मुल्क को तोड़ दिया, हमने मज़हब को अडाप्ट किया। हमारी ये नेचर, हम चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, लेते हैं, और वो लोग सियाने हैं, वो चीज़ों के अंदर नहीं आते, चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, भाग जाते हैं फ़ायदे उठाकर। ठीक है, अ मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन, वो जैज़ बजाता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। अच्छा जी, जैज़ का जिक्र इसलिए भी कर दिया है, उन्हीं दिनों में इनकलाब आ रहा था, ये 19वीं सेंचुरी की बात है, 19वीं-20वीं सेंचुरी की बात है, उन्हीं दिनों में ही इनकलाब आ रहा था अमेरिका में। तो उस वक्त की जो फेमस चीज़ थी उसका जिक्र वो करके गया है और साथ कहा है हार्ड वर्किंग मैन, कि वो इंतहाई हार्ड वर्किंग मैन है, तंज किया है, गाने बजाने वाला हार्ड वर्किंग मैन है। ओ आई डोंट सी मच फन इन बीइंग क्रिश्चियन अलोंग विद अदर बेबीज, मुझे नहीं लगता कि दूसरे बेबीज के साथ क्रिश्चियन होने में कोई मज़ा है, मैं उनके साथ नहीं हूँगा क्रिश्चियन, इट वुड बी चाइल्डिश, ये तो बच्चों जैसी हरकत हो जाएगी। वुड 5:30 डू, क्या 5:30 चलेगा, 5:30 का टाइम चलेगा? छः जी बात, एडमायरेबली टेक्स आउट वॉच, घड़ी देखते हुए, एंड नॉट डेयर मिस्टर वर्थिंग, आई विल नॉट इंट्रूड एनी लॉन्गर इन टू अ हाउस ऑफ सारो, और मैं अब चलता हूँ, मैं अब मजीद दुख के घर में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहता, इंट्रूड दखल अंदाजी नहीं देना चाहता, कहाँ, दुख के घर में, कौन सा दुख का घर, जिस घर में जिस भाई की मौत हो जाए, यानी कि जैक वर्थिंग का घर। आई वुड मेरली बेग यू नॉट टू बी टू मच बोर्ड डाउन बाय ग्रीफ, मैं बस महज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जैक कि आप दुख से बस डूब ना जाना, बोर्ड डाउन, झुक ना जाना, बूढ़े ना हो जाना। व्हाट सीम टू अस बिटर, जो चीज़ हमें तलख लगती है, ट्रेल्स, जो हमें तलख आजमाइश लगती है, आर ऑफन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो दर हकीकत ब्लेसिंग होती है छुपी हुई, रहमत होती है छुपी हुई। जो चीज हमें लगती है कि ये मुश्किल तरीन है, उसके अंदर रहमत छुपी होती है, जहमत के भेस में रहमत होती है। मिस प्रिजन, This seems to me a blessing of an extraordinary obvious kind. लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी और वाज़े ब्लेसिंग है कि बंदा गंदा था, मर गया है। ठीक है, मिस प्रिजन तो उसके खिलाफ ही बड़ी है। हाँ, ये तो इसको पता नहीं है ना अभी। इंटर सिसली फ्रॉम द हाउस, घर के अंदर से सिसली आती है, सिसली, अंकल जैक, ओ आई एम प्लीज टू सी यू बैक, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, बट व्हाट हॉरिड क्लॉथ्स यू हैव गॉट ऑन, लेकिन कितने आपने दुखी ये लिबास पहन रखे हैं, डू गो एंड चेंज देम, जाओ अंदर और जल्दी से तब्दील करके आओ। मिस प्रिज़म, सिसली उसे रोकती है। छह जी बात, माई चाइल्ड बच्चे, ओ प्यारे बच्चे, सिसली गोज टू वॉर्ड जैक, सिसली जैक की तरफ जाती है, ही किसेस हर ब्रो, वो उसके माथे को चूमता है, इन अ मेलनखली मैनर, एक दुखी अंदाज में। सिसली, व्हाट इज द मैटर अंकल जैक, अंकल जैक क्या मामला है, डू लुक हैप्पी, इतने खुश नजर आ रहे हो, You look as if you had toothache. ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दांत में कोई तकलीफ हो, तुम इतने दांत निकाल निकाल के हंस रहे हो। And I have got such a surprise for you. और मुझे तो आपको देखकर सरप्राइज मिला। Who do you think is in the dining room? Your brother. और I have got such a surprise for you. मेरे पास है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। Who do you think is in the dining room? क्या सोचते हैं आप डाइनिंग रूम में कौन है?
योर ब्रदर, आपका भाई, हु कौन, जिसने योर ब्रदर अर्नेस्ट ही अराइव्ड अबाउट हाफ एन आवर अगो, वो आपका भाई अर्नेस्ट आधा घंटा हुआ है वो अंदर आया है. व्हाट नॉनसेंस, आई हैवंट गॉट अ ब्रदर, क्या बदतमीजी है, मेरा कोई भाई नहीं. ओ डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए. हाउवर बैडली ही मे हैव बिहेव टू यू इन द पास्ट, ही इज स्टिल योर ब्रदर, गो कि उसने माजी में आपसे बहुत बुरा सलूक किया है लेकिन फिर भी वो आपका. यू कूडेंट बी सो हॉटलेस एज टू डिसओन हिम, आपको इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए कि आप उसे आक कर दें, उसे डिसओन कर दें, उसकी जिम्मेदारी ना लें, उसे भाई ना समझें. आई विल टेल हिम टू कम आउट, मैं उसे कहती हूँ बाहर आए. एंड यू विल शेक हैंड्स विद हिम, और तुम उससे हाथ मिलाओगे. वुडंट यू अंकल जैक, अंकल जैक क्या आप हाथ नहीं मिलाएंगे. रन्स बैक इनटू द हाउस, और वो हाउस में वापस चली जाती है. छह जीवन, दीज आर वेरी जॉयफुल टाइडिंग्स, ये तो बहुत खुशी वाली खबरें हैं. मिस प्रिज्म, आफ्टर वी हैड ऑल बीन रिजाइंड टू हिज लॉस, आखिरकार हमें उस नुकसान से छुटकारा पाना होगा, उस नुकसान को तर्क करना होगा, उस नुकसान से रिजाइन करना होगा. हिज सडन रिटर्न सीम्स टू मी पेकुलरली डिस्ट्रेसिंग, अचानक उसका वापस आना खास तौर पर मुझे बड़ा मायूस कर रहा है. मैं सड़क पर था तो मुझे फोन आ गया कि तुम्हारी खाला की डेथ हो गई, आज मर गई है तेरी खाला. इतना रोने की आवाज़ थी, मैं कि या अल्लाह इन्ना राजी हूँ. तो मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल मोड़ लो, खाला के घर, खाला की डेथ हो गई. दो चार और लोगों को फ़ोन भी कर दिया. दरवाज़े में दाखिल हुआ तो मेरे खालू ठहरे थे, मैंने उसे गले से लगाया. तो मैंने कहा अल्लाह की मर्ज़ी ये काम है, अल्लाह ताला की यही रजा थी. वो चुप, और मैं उसे मिला, मैंने उसे चार पांच और बातें भी की बढ़ चढ़ के. मैंने कहा भैया अब ये गम का मौका है, कुछ कहना तो चाहिए ना. और मैंने छः सात अल्फाज इस तरह के और सेंटेंसेस कह दिए कि अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह की मर्ज़ी ये काम है, अल्लाह ताला की यही रजा थी, सब ने जाना है. तब आगे गया तो आगे मेरा बड़ा भाई ठहरा था, उसे मैंने गले से लगाया. मैंने कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी ये काम भाई. उसने मेरे कान में कहा, उसने कहा वो बहन चोद नहीं मरी अभी, अभी वो जिंदा है. मैंने कहा अच्छा. और पहले तब मैंने देखा तो मेरी भाभी जो लंबी पड़ी हुई थी, सोई हुई थी, लेटी हुई थी आराम से फ़ोन से. मैंने कहा यार खाला भी कमाल करती है, मुझे फ़ोन किया कि आज मर गई है तेरी खाला. तो मैं सोचा मरी गई है बेचारी, मैं तो आके ताज़ियत करूँ, क्योंकि बीमार थी बड़े अरसे से. वो तो बड़े अरसे से बीमार थी ना, तो वो इंतहाई दौरे में चली गई, तो उसने फ़ोन कर दिया कि आज मर गई है तेरी खाला. तो मैं तो कह भाई कह रही फ़ोन करके मर गई, मुझे फ़ोन करने का तुक नहीं बनता ना वैसे, तो इन्फॉर्म किया जा रहा था. मैंने दो लोगों को ताज़ियत भी कर ली, ठीक है. तो बाद में बड़ा मैं डिस्ट्रेस हुआ ना, फिर बड़ी मायूसी हुई कि यार मैं गलत कह बैठा हूँ. बेचारी फौत हो गई है. खैर जब सारे उसके मरने की वो कर रहे थे कि बस अब ये इसकी आखिरी सांस है, 10 दिन गुजर गए हॉस्पिटल घर, वो मरी नहीं. और फिर उसके दोनों साइड पर बैठ कर ना नानी और खाला जो है ना वो कुरान पढ़ने बैठ गए, अल्लाह ताला इसकी आसानी की. एकदम उठ के बैठ गए, दोनों को नीचे गिरा दिया, कहे नहीं मरती मैं, उठो यहाँ से. तुमने मेरे मरने की तैयारी कर रखी है, कुरान मेरे सर पर बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं मरती मैं, उसने कहा खड़ी होकर बैठ गए. अल्लाह से जन्नत नसीब करे. अच्छा तो कहती है कि उसका दोबारा जिंदा होना बहुत ही मुझे मायूस कर गया. जैक, माय ब्रदर इज इन द डाइनिंग रूम, मेरा भाई डाइनिंग रूम में. आई डोंट नो व्हाट दिस ऑल मींस, मैं नहीं जानता इस सब का क्या मतलब है. आई थिंक इट इज परफेक्टली ऑब्जर्ड, मेरे ख्याल में ये सारा कुछ बिल्कुल बेहूदगी है, ऑब्जर्ड बेहूदगी है, अनरीजनेबल है.
इंटर अलजरनन एंड सिसली हैंड इन हैंड, अलजरनन और सिसली हाथ में हाथ डाले आ जाते हैं। दे कम स्लोली अप टू जैक, वो ऐसा ऐसा जैक की तरफ आते हैं। जैक, गुड हेवंस, हो खुदाया, मोशन अलजरनन अवे, और अलजरनन को इशारा करता है कि दफा हो जा, दफा हो जा। अलजरनन, ब्रदर जॉन, I have come down from town to tell you that I am very sorry for all the troubles I have given you. मैं यहाँ पर आया हूँ टाउन से, लंदन से, ये बताने के लिए कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ उन तमाम मसाइल की बिना पर जो मसाइल, जो ट्रबल्स मैंने आपको दिए। And that I intend to lead a better life in future. और मैं future में एक बेहतर जिंदगी जीने जा रहा हूँ। Jack glares at him and does not take his hand. Jack उसे घूरता रह गया और उसको हाथ नहीं दिया, सलाम नहीं लिया उससे। इसलिए Uncle Jack, you are not going to refuse your own brother's hand. मेरे ख्याल में तुम अपने भाई के हाथ को इनकार करने नहीं जा रहे। तुम्हारे भाई ने तुम्हें हाथ दिया है तो हाथ मिलाओ। जैक, नथिंग विल इंड्यूस मी टू टेक हिज हैंड, कोई चीज भी मुझे मुतासर नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती कि मैं इसका हाथ पकड़ूं। आई थिंक हिज कमिंग डाउन हियर डिसग्रेसफुल, मेरे ख्याल में इसका यहाँ पर आना इंतहाई बुरा है। ही नोज परफेक्टली वेल वाई, ये जानता है सही तरह से क्यों नहीं। सिसली, अंकल जैक, डू बी नाइस, अच्छे बन जाइए। देयर इज सम गुड इन एवरीवन, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अर्नेस्ट हैज जस्ट बीन टेलिंग मी अबाउट हिज पुअर इनवैलिड फ्रेंड, मुझे अर्नेस्ट अभी बता रहा था कि उसका भी एक बेचारा गरीब दोस्त है जिसका नाम है बनबरी। Home he goes to visit so often. ये शख्स जिसको आप बुरा कहते हैं, ये तो खुद एक बुरे दोस्त की खिदमत के लिए जाता है, एक गरीब दोस्त की ताजियत के लिए जाता है। And surely there must be much good in one. यकीनन किसी के अंदर बहुत अच्छाई होती है। Who is kind to an invalid, जो लोग बीमारों या invalid के साथ काइंड होते हैं, मेहरबान होते हैं, तो समझो उनके अंदर बहुत कुछ अच्छा होता है। ये अच्छाई की निशानी है ना, सिंबल है। एंड लीव्स द प्लेयर्स ऑफ लंदन टू सिट बाय अ बेड ऑफ पेन, और देखो ये लंदन की खुशियां छोड़कर दुखों के एक बिस्तर के साथ जाकर बैठ जाता है बनबरी के पास। ओह ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट बनबरी, हैज ही, तो ये क्या बनबरी के बारे में भी तुम्हें बता रहा है, क्या इसने ऐसा किया? यस, ही हैज टोल्ड मी ऑल अबाउट पुअर मिस्टर बनबरी एंड हिज टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, इसने मुझे सारा बनबरी के बारे में बताया और उसकी सेहत के बारे में बताया जो बहुत ही खराब है, टेरिबल है। जैक, बनबरी, वेल आई वुडंट हैव हिम टॉक टू यू अबाउट बनबरी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये शख्स तुमसे बनबरी की बात करे। और अबाउट एनीथिंग एल्स, या इस तरह की कोई और बात करे। इट इज इनफ टू ड्राइव वन परफेक्टली फ्रेंटिक, ये बेहतरीन तरीका होता है ड्राइव एक आदमी को ले जाने का परफेक्टली फ्रेंटिंग इमोशंस के अंदर। एक आदमी को इमोशनल करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि उसके सामने बीमारों की बात की जाए। फ्रेंटिक का मतलब होगा इमोशनल, जज्बाती। अलजरनन, ऑफ कोर्स आई एडमिट दैट द फॉल्ट्स वर ऑल ऑन माय साइड, अलजरनन कहते हैं यकीनन मैं तस्लीम करता हूं कि सारी गलतियां मेरी हैं। बट आई मस्ट से दैट आई थिंक दैट ब्रदर जॉन्स कोल्डनेस टू मी इज पेकुलरली पेनफुल, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जॉन की ये सर्द महरी खास तौर पर मेरे लिए बड़ी दुख वाली है।
बस जॉन भी कहते हैं, जैक भी कहते हैं, उसका नाम ये भी है, जॉन भी है। एक शख्स को बस मुख्तलिफ नामों से पुकारा भी जाता है ना, कोई प्यार से क्या बुलाता है, कोई प्यार से क्या बुलाता है। आई एक्सपेक्टेड अ मोर एंथुसियास्टिक वेलकम, मैं तवक्को कर रहा था कि मुझे बहुत जज्बाती किस्म का, एंथुसियास्टिक जोशीला, मुझे बहुत पुरजोश वेलकम दिया जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ है अंकल जैक की सर्द महरी से, कोल्डनेस से। मैं तवक्को कर रहा था कि पुरजोश मुझे वेलकम दिया जाएगा, स्पेशली कंसीडरिंग इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर, खासकर मैं कंसीडर कर रहा था कि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ। सिसली, अंकल जैक, इफ यू डोंट शेक हैंड्स विद अर्नेस्ट आई विल नेवर फॉरगिव यू, अगर आपने अर्नेस्ट के साथ हाथ ना मिलाया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नेवर फॉरगिव मी, मुझे माफ नहीं करोगी, नेवर नेवर नेवर, कभी 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 नहीं। वेल दिस इज द लास्ट टाइम आई शैल एवर डू इट, ये आखिरी दफा है कि मैंने ऐसा किया है। पहले कभी मैं किसी से नाराज हूं तो उससे हाथ नहीं मिलाया, पहली बार जिंदगी में मैंने किसी से हाथ मिलाया। शेक्स हैंड्स विद एल्जर्नन एंड क्लेयर्स, एल्जर्नन से हाथ मिलाता है और उसे घूरता है। एल्जर्नन कौन है? अर्नेस्ट बना हुआ है। छेजीवर, इट्स प्लेजेंट इज इट नॉट, ये बहुत अच्छी बात है, क्या ये नहीं है, टू सी सो परफेक्ट अ रिकॉन्सिलिएशन, कि हमने बिल्कुल परफेक्ट किस्म की सुलह देखी है। आई थिंक वी माइट लीव द टू ब्रदर्स टुगेदर, मेरे ख्याल में हमें दो भाइयों को इकट्ठा छोड़ देना चाहिए।